ये हाउसिंग का जो पूरा हमारी हाउसिंग सेक्टर है, ये जितनी तेज़ी से कराची छोड़ के, सिंध छोड़ के लोग पंजाब में, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो कुछ किया जा रहा है इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उनके मकासद हैं, कराची से उन्होंने हाउसिंग का काम खत्म करना है, क्योंकि एक ही मुल्क के अंदर दो कानून नहीं चल सकते। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल ठीक है। पंजाब में इन्होंने तकरीबन कोई 1800 प्लस हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करने का कमीशन पंजाब असेंबली में पेश कर दिया। okay. वो उसको रेगुलराइज कर रहे हैं, जो इलीगल हाउसिंग स्कीम्स थी पंजाब के अंदर। okay. 1800 प्लस यहाँ पर एक नस्ला बिल्ड आती है और वो कहते हैं इसको डिमोलिश कर दो, और वहाँ पे वो कहते हैं कि सब रेगुलराइज कर दो। तो एक मुल्क में जो दो कानून शुरू से जैसा कराची के साथ हो रहा था, लेकिन वो अब हमें नजर आ रहा है कि वो हाउसिंग सेक्टर में भी सेम वही काम हो रहा है। लेकिन एक बात कहूँ कि आबाद एसोसिएशन इज अ बिगेस्ट नेम